फिर से स्वागत है हमारे चैनल एपी ब्रदर्स में। और आज हम एक और ब्लॉग लेके आए हैं आपके लिए, एक वीडियो नया बना रहे हैं। और आज हम आए हैं खुले हनुमान जी, जो जयपुर में बहुत फेमस मंदिर है और सभी लोग जानते हैं इस मंदिर को। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच एक प्रसिद्ध मंदिर है। अब इसमें सबसे खास बात क्या है कि खोले के हनुमान जी का मंदिर तो है, और खोले के हनुमान जी के मंदिर के पास में एक माता जी का मंदिर है पहाड़ी पर। और सबसे खास बात यह है कि उस पर रोपवे की शुरुआत हो चुकी है, जो रोपवे बन रहा है आज हम वही दिखाने आए हैं, और ये जयपुर का पहला रोपवे है। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और ये सामने पार्किंग का एरिया है, और इसके पीछे रेत का टीला, बड़ा ही ऊंचा टीला है, चढ़ने में जान ही निकल जाती है। अभी हम आ गए हैं कंस्ट्रक्शन साइट रोपवे की, और पीछे आप पिलर देख सकते हैं, फर्स्ट पिलर जो है, और यहीं से आपकी जो है एंट्री की जाएगी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यही वो जगह है जहाँ पे हॉल भी बनेगा। अभी तो कंस्ट्रक्शन का अभी काफ़ी स्टार्टिंग में है, लेकिन पीछे जो पिलर दिख रहा है ये वो पिलर है जो रोपवे के लिए, जहाँ पर तार बंधते हैं। और इसके पास में यहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरा, जिसपे हॉल भी बन जाएगा और टिकट सिस्टम भी इधर ही बनेगा। और पहाड़ पूरा देख सकते हैं, पूरा यहाँ से खोद दिया है और पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं हॉल के। और सबसे अच्छी बात है कि चारों तरफ ये पहाड़ी वाला इलाका है, तो यहाँ पे जब रोपवे का जो नज़ारा बनेगा अंदर से, वो बड़ा ही शानदार होगा। और मंदिर आप सामने देख सकते हैं खुले हनुमान जी का, और अब वो छोटा सा आप पहाड़ी पर देख सकते हैं, ये सेकेंड पिलर है। और कंस्ट्रक्शन साइट के साइड में आप देख सकते हैं जो अभी काम चल रहा है, तो ये छोटी टोकरियों द्वारा जो सामान ढोया जा रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और ये भी एक तरह का रोपवे ही है, लेकिन ये बहुत छोटा रोपवे है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसमें माल मटेरियल को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी ईजी हो जाती है चीज़ें। और इसकी पूरी यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन, ऑपरेटर बैठा हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, सीमेंट के जो बड़े भारी भारी कट्टे होते हैं वो डाल दिए हैं टोकरी में मजदूरों द्वारा, क्योंकि उनको ऊपर ले जाना पहाड़ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कितनी ईजी हो चुकी है। पुराने टाइम में बहुत सारा माल मटेरियल केवल हाथों की मेहनत, हाथी घोड़ों की मेहनत से ले जाया जाता था, जिसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत सारी चीज़ें सालों में बन पाती थी। अब वही चीज़ें ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल कम समय में पूरी हो पाती है। तो कंस्ट्रक्शन साइट से अब आपको दिखाते हैं सेकंड जो पिलर है, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, ये सेकंड पिलर है। ये ध्वजा लहरा रही है, ये है माता जी के मंदिर की ध्वजा, और यहीं तक रोपवे जाएगा। तो अभी रोपवे तो चालू नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको माता जी के दर्शन करने हैं तो मेरे जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, आप यहाँ से पैदल जा सकते हैं दर्शन के लिए। और पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इन्फॉर्मेशन है कि दर्शन कितने बजे से कितने बजे तक अवेलेबल है और टाइमिंग्स क्या हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो लेके चलेंगे आपको, दर्शन कराएंगे माता जी के, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और जो इसका रास्ता, ये जो खोले के हनुमान जी का जो मंदिर है उसके राइट साइड से रास्ता इसका आता है, और आगे ये आपको बोर्ड दिख जाएगा, और इसके यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं ऊपर तक। तो चलिए लेके चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो जैसे ही आप आगे आएंगे और राइट साइड में देखेंगे तो आपको चढ़ाई दिखना शुरू हो जाएगी, और यहाँ से आप जा सकते हैं दर्शन के लिए माता जी के। तो चलिए लेके चलते हैं आपको ऊपर, मंदिर में दिखाएंगे पूरा नज़ारा, और ऊपर से रोपवे जो अभी कंस्ट्रक्शन साइट है वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो हम आधी ऊँचाई पर आ चुके हैं, और यहाँ से आप गणेश का नज़ारा देख सकते हैं,
और हमारे पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं जो हमने ट्रैकिंग के बनाए हुए हैं, जो गणगणेश टू चरण मंदिर और चरण मंदिर से हम नाहरगढ़ गए थे ट्रैकिंग के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वो वीडियो भी हमारे देख सकते हैं। और टीवी टावर भी आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा दिख रहा है यहाँ से। तो एक ही पहाड़ी से आपको अलग अलग नज़ारे दिख रहे हैं, और चरण मंदिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी तो ऊपर जाने के बाद और भी खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे पूरे चारों तरफ की पहाड़ियों के। तो हमने पिछला वीडियो भी आमेर सागर का बना रखा है, जो आमेर के महल के बिल्कुल पीछे की तरफ है, वहाँ भी हम ट्रैकिंग पे गए थे, तो वहाँ से भी आप नाहरगढ़ का नज़ारा देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अभी हम मंदिर के टॉप पे आ गए हैं और यहाँ से भी आप पहाड़ी का नज़ारा देख सकते हैं। बिल्कुल सामने जो देख रहे हैं ये है गलता जी का तीर्थ स्थल, दो पहाड़ियों के बीच में छोटा सा मंदिर जो दिख रहा है आपको वीडियो में। और यहाँ से भी आप शहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं आपको वीडियो में। ये पूरा जयपुर शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, नाहरगढ़ का नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। और पूरे सिटी का नाइट व्यू भी वहाँ से दिखता है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता है, तो ज़रूर देखें। तो मंदिर से जो तीसरा पिल्लर है वो देख सकते हैं जो पहाड़ी के ऊपर है, और ये कंस्ट्रक्शन साइट मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन काफ़ी बन चुका है, और यहीं पे आके रोप वे की जो टोकरी होती है, जहाँ यहाँ से उतरकर और पीछे से मंदिर की तरफ आने का रास्ता बनाया जा रहा है। चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, और अभी हम लेके चलते हैं आपको मंदिर में, जहाँ माता जी के आपको दर्शन कराएंगे। तो अभी हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है माता जी की। और ये पंडित जी महाराज हैं। महाराज जी नमस्कार। और माता जी के जो मंदिर है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कितने साल पुराना मंदिर है और क्या विशेषता है मंदिर की? ये पहले तो क्या अपने यहाँ जगह एक टापोर टाइप में वैसे मूर्ति थी, छोटे से मूर्ति थी, और ये अखंड दीपक भी वहीं चलता था जी। और ये अभी 7-8 साल बाद में ये मंदिर बना करके इसको मूर्ति को स्थापित किया माता जी की, वैष्णो देवी की, और अभी ये काम चल रहा है, तो इस वजह से इसका अखंड दीपक जो यहाँ पर चल रहा है इस टाइम। तो इस अखंड ज्योति को जलते हुए कितने साल हो गए हैं? करीबन 10-15 साल से। तो 10-15 साल से अखंड ज्योति जल रही है और लोगों की आस्था बनी हुई है, और लोग यहाँ आके बोलते होंगे आपको कि मेरी तरफ से अखंड ज्योति जलाई जाए। नहीं, जो कोई भी अगर घी ला कर देता है तो हम उसमें डाल देते हैं, वरना अपना मंदिर का जो घी का पीवा रहता है उसमें से अपने इसमें कंटिन्यू चालू रखते हैं। तो दिन भर में कितने श्रद्धालु आते हैं मंदिर में? इस टाइम में अब तो काफी 100-150 के समथिंग डेली आ जाते हैं। अभी 100-150 लोग श्रद्धालु अभी मंदिर में आ रहे हैं, और जब ये रोप वे बन के तैयार हो जाएगा तो मेरे ख्याल से हजारों लोग यहाँ पे आएंगे। 1000 का टारगेट है डेली का। तो माता जी के दर्शन कर लिए हमने, आशीर्वाद ले लिया इनका, और मंदिर के पीछे से भी आपको दिखाते हैं चारों तरफ का व्यू, और माता जी के जो 9 रूप हैं उनका चित्रण आप देख सकते हैं वीडियो में। और माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो भी रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे पिलर लगा दिए गए हैं, आने वाले टाइम में ये मंदिर भी काफ़ी विशाल हो जाएगा, और यहाँ पे काफ़ी लोग श्रद्धालु आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन के टॉप पे हैं, और जो नीचे वीडियो में दिखाया था वो अब आप ऊपर भी देख सकते हैं, सेम सेटअप है, जो नीचे से छोटी छोटी टोकरियों में सामान जो ढोया जा रहा है और ऊपर लाया जा रहा है, जो यहाँ पे हॉल बनेगा टोकरी के लिए, और जो नीचे से पूरी केबल ऊपर तक आएगी उसके लिए जितने भी पिलर्स हैं सब यहाँ दिख रहे हैं। तो ये वो वे है जहाँ से पूरा ऊपर तक रोप वे आएगा, फाइनली वो यहाँ हॉल बनेगा, और यहीं आके श्रद्धालु जो है उतरेंगे और माता जी के दर्शन के लिए जाएंगे यहीं से। तो जो रोपवे से नज़ारा दिखेगा चारों तरफ की पहाड़ियों का बड़ा ही खूबसूरत है। तो हमारा वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एपी ब्रदर, और इस तरह के वीडियो हम बनाते रहेंगे आगे के लिए। और जब ये कंस्ट्रक्शन जो लगभग पता चला है 6 से 9 महीने के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए एक और हम वीडियो बनाएंगे पूरा रोपवे की फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो देखते रहिए हमारा चैनल एपी ब्रदर, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।